ट्रेडिंग जोन में है। अपॉर्चुनिस्ट अगर इन्वेस्टर है तो उसको एक बैंड के ऊपर यानी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। जो लेवल है वो है 1620 से लेके 1645 सॉरी 63420 से लेके 6345, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। 6045 के ऊपर अगर चलता है तो 6500 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अपॉर्चुनिस्ट ट्रेडर के हिसाब से 6345 के ऊपर ट्रेड इनिशिएट करे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। ये बेसिकली एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है जहां पे एक रेजिस्टेंस बनके मार्केट के लिए तकलीफ दे रहा है। निचले स्तर पे 6280 बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, इसके नीचे जाने की संभावना नहीं है। जी, इस बीच मेटल स्पेस पर आपके व्यू लेना चाहेंगे किरण, खासतौर पे टाटा स्टील के शेयर में लगातार यहाँ पर 2-3 सेशंस हो चुके हैं, मोमेंटम बना हुआ है, 391 के लेवल पर फिलहाल ये कामकाज कर रहा है। अभी आप क्या रिकमेंड करेंगे टाटा स्टील पर? टाटा स्टील बेसिकली देखा गया तो एक मीडियम टर्म चार्ट पे बहुत ही अच्छी बेहतरीन रैली देखी गई थी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में, और उसके बाद एक अच्छा टाइम करेक्शन और थोड़ा सा प्राइस करेक्शन भी देखा गया है। जो प्राइस करेक्शन आ गया है वो फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन है जो कि टेक्निकली बहुत ही बुलिश कहलाता है। मेरे ख्याल से अगर निवेशक अभी भी फ्रेश बाइंग करते हैं और 370 का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस एक बार 410 के पहले टारगेट्स और उसके बाद 427 के दूसरे टारगेट, पर ये बेसिकली अगले एक महीने में आने की संभावना बन जाती है। चार्ट बेहतरीन है, निवेशक लंबे पैमाने पे अगर निवेशक है तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, चार्ट्स बेहतरीन है टाटा स्टील के। 410 का पहला टारगेट होगा जो देख रहे हैं किरण, जहां आप नजर रखकर चल सकते हैं। अगर ये क्रॉस होता है तो 427 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। आप आज कहां बेट करना चाहेंगे स्टॉक्स पे होकर हम बात करें आपके ओर से आज के लिए इंट्राडे पिक्स? बेसिकली पहला मेरा पिक रहेगा रेडिको खैतान, जो कि बहुत ही अच्छी मोमेंटम प्ले दिखा रहा है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 146 का और टारगेट रहेगा 170 से लेके 183 तक। इसका बेसिकली ये रीजन है कि एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यानी 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद कल से ये स्टॉक वापस एक बार अपमूव दिखाने चालू कर दिया है, अच्छे वॉल्यूम भी दिखाई दे रहे थे। इसके लिए इसका कारण यह है कि बेसिकली ओवर पावरिंग डिमांड ओवर पावरिंग सप्लाई का सिनेरियो दिख रहा है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। SSLT मेरा दूसरा पिक रहेगा। बेसिकली इसका अगर स्टॉप लॉस देखते हैं तो बहुत ही नजदीक है, 206 का स्टॉप लॉस रहेगा, इमीडिएट टारगेट 222 का रहेगा। ये चार्ट अगर देखते हैं तो लास्ट 1 ईयर से एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद मल्टीपल टॉप का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। इसका ब्रेकआउट लेवल करीबन 208 का था और आज अभी करीबन 210 के करीब ट्रेड करता नजर आ रहा है। अगर ये मोमेंटम जारी रहा तो बेसिकली एक बहुत बढ़िया रैली मिल सकती है। अगर 3 महीने का निवेश करना चाहते हैं तो भी 255 के भी टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। इस बीच फार्मा स्टॉक्स पर नजर डालेंगे, अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है फार्मा स्टॉक्स में। इनफैक्ट आज बाजार भले ही फ्लैट है लेकिन हेल्थ केयर स्पेस में खरीदारी देखने को मिल रही है। ल्यूपिन की बात अगर हम करें करीब करीब 2% के मजबूत साथ कामकाज कर रहे हैं। रेनबैक्स डे हाई पर फिलहाल बना हुआ है। सन फार्मा में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बायोकॉन की बात करेंगे, कल भी काफी अच्छा मोमेंटम था स्टॉक में, आज भी 2% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है और डे हाई। इनफैक्ट आज नतीजे आने हैं बायोकॉन के, नतीजों से पहले अच्छी खरीदारी बायोकॉन के शेयर में देखने को मिल रही है। बहुत संक्षेप में किरण, आपको भी लेना चाहेंगे फार्मा स्टॉक्स में, अगर आप कहीं छोटी अवधि के नजरिए से बेट करना चाहेंगे तो कौन सा शेयर चुनेंगे? बेसिकली 2 स्टॉक्स रहेंगे, एक लुपिन जो कि फेवरेट स्टॉक है, एक अच्छी मोमेंटम हमेशा देता नजर आ रहा है, और दूसरा रहेगा बायोकॉन। सो बायोकॉन की बात करें तो बेसिकली आज रिजल्ट्स भी है उसके, पर फिर भी एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद हमें आज वापस अपमूव दिखाई दे रही है। और इसके साथ टोरेंट फार्मा की बात करें तो टोरेंट फार्मा भी एक बेहतरीन चार्ट है जहां पे आपको इधर से 15-20% की अपमूव देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, काफी स्ट्रांग मोमेंटम ऑलरेडी